तो मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। घबराओ मत उबेद, मेरे डैड पायलट है, हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। खराब मौसम से हम गुजर रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध करके आप सेफ रहेंगे। सुना तुमने, मैंने कहा ना सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। मौसम के और खराब हो जाने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। तूफान में क्या लैंडिंग किया आपने? शुक्रिया, उम्मीद है ज्यादा घबराए नहीं होगे। नहीं, प्लेन को रिपेयर होने में कुछ घंटे लगने वाले हैं, तो बच्चों तब तक तुम आइलैंड घुमाओ, पर सुनो ज्यादा दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। शुक्रिया पापा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ? देखो दोस्तों, वहाँ पर जाकर झूला झूलते हैं। पहले तुम जाओ। तुम्हारी बारी ओबेद। नहीं नहीं शुक्रिया। चलो भी ओबेद, डरो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्राई तो करो, अब आप ही जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर तुम झूलोगे नहीं तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। हाँ? हाँ? साफ होकर आते हैं, ठीक है। ये फनी नहीं है। जानता हूँ, बिल्कुल फनी नहीं है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे तुम्हारे साथ ही होते हैं। नहीं, ऐसा हाँ? दोस्तों, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। ओबेद, मस्ती मत करो। मस्ती हा? नहीं कर रहा, पर यहाँ का नजारा कमाल है। चलो देखो तो सही। तुम ठीक हो नानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंसूर, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये गुफा कहाँ तक जाएगी? क्या पता, पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा। ये अच्छा आइडिया है, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे वाह, देखो देखो। मंदिर के अंदर क्या क्या होगा तो पता करे। तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाओ, यकीन नहीं होता, यहाँ नीचे इतना सारा खजाना है। जल्दी छुपो छुपो। ठीक है, ये लोग कौन है? चलो जल्दी करो, हमें जाकर बाकी भी लाना है।
मेरे ख्याल से ये लोग चोर है। ये वहाँ से सब कुछ चुरा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, ये लोग गलत कर रहे हैं। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चलो मेरी मदद करो। उन्हें लगेगा ये मंदिर श्रापित है। काम नहीं बना। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम वापस ही चले जाएं। क्या कहते हो? नहीं उबेद, हम नहीं जा सकते। वो चोर मंदिर का सारा खजाना लेकर भाग जाएंगे। अच्छा तो हम क्या करें? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? यकीन है इससे वो डर जाएंगे। देखा तुमने प्राचीन कीड़ा? सही कहा, ये तो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ बैठो। हाँ? इससे भी काम नहीं बना। अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? नानो और इन मशालों से और बहुत सारी मिट्टी से। मिट्टी? हाँ भरोसा करो। क्या? ये क्या था? इस मंदिर में आने की किसकी हिम्मत हुई? ये सामान तुम्हारा नहीं है, इसे ले जाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। सबने कमाल कर दिया, हमने मंदिर का खजाना बचा लिया। और ये चोर यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा अब हम प्लेन पर लौट सकते हैं, पहले साफ हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द पापा को सब कुछ बताना है। तुम आ गए बच्चों, शुक्र है तुम सब सुरक्षित लौट आए। क्यों, क्या हुआ पापा? ये आर्कियोलॉजिस्ट है। क्या, आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम आई है उनके साथ बुरा हादसा हुआ है। अच्छा? हाँ, ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर गए थे। हमें लगता था कि वो एक कहानी है, पर ये तो सच निकली जैसा कहा गया था। हाँ, मंदिर में बहुत से खूबसूरत एंटीक्स थे जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस है जो इन्हें ले जाने की इजाज़त देता है एजुकेशन की खातिर। पर पता चला कि वो मंदिर सच में शापित है। हमने वहाँ अजीब से जीव देखे, वो भी तीन, एक उड़ने वाला छोटा जीव भी था। तीन अजीब से जीव, साथ में उड़ने वाला भी। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहोगे? जरा सी गलत फहमी हो गई है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम तीनों जितने बहादुर आज तक नहीं देखे। शुक्रिया, आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं। सोचो, मंदिर की मूर्तियां म्यूजियम इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि तीन बच्चे डरावने भूत बनकर ड्रामा कर रहे थे।
दोस्तों तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है, पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं, तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना, असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे, उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी, चलेगा? ठीक है वादीराम, हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। Hey! एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना, आराम से आराम से। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। तो बच्चों सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो, ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है, मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबेद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है, थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबेद, मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। हाँ क्या हुआ? देखो वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ हम ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं। आ, 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 आ,
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर, तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियाँ बांध कर एक मेरी तरफ फेंको जल्दी। अब यहाँ से निकल सकते हैं। करेंगे क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? नहीं है, हमने पहले ही देखा यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो अबेर। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। उबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है, किसे बता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो, रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे उबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबेद ने किया है, अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर उबेद ने हम सबको बचा लिया है।
बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं, तो मेरी सलाह है हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है, चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चले। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों, डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे। हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 3 दिन। तीन दिन। हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा, और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना, मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो, तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया, गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो देखो। चलो। जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं, तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे।
बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहाँ तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाट भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं। वाइल्ड नेली। वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? ओ बेन, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर तो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है, दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेर? ओबेर मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेर, मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे, हम उस तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेर। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा, अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। रस्सी को पकड़ो। खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना, हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुँच गए बच्चों, तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे, वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है। सही कहा, और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे। इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर।
तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सी स्प्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों ये पार्क घर था सुमात्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं, पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सन बियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं। और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ऑरेंग पिंडेक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग चखमा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने, वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल दोस्तों, देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए? कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरांग पेंडिक ने? उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरांग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों, वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं, तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं, देखने में तो जगह ठीक ही है। तुम पागल हो गए हो, हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे, या उससे भी बदतर ओरांग पेंडिक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। मंसूर, उसे ओरांग पेंडिक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह, क्या बात है, एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है, भरा है सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था, चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा एप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्स, सिर्फ ओरांगोटैंग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या देखा? नहीं, इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरांग पेंडिक है। सारे भागो। Huh?
जल्दी 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 अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है, देखो नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल। उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है, चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है, इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। उबेद और उनके दोस्तों से मिलिए जिनकी खोज है ओरांग पेंडिक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, सब ऐसा कहेंगे तुर्की ने ओरांग पेंडिक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं रुको, क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला। हाँ हाँ, बस इतना बता दो किसकी रखवाली की है तुमने आज तक। दोस्तों चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं। ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा। कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए, चलो चले। मंसूर बेटा, तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं हमने तो सालेम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना, आ जाओ कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसके आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर, हमेशा की तरह। मंसूर
इस खूबसूरत आइलैंड पर तुम सबका स्वागत है बच्चों, और मेरे विल्डरनेस कोर्स में भी। और आप सब में से जिनको घबराहट हो रही है, बस इतना जान ले कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और तुम लोग सुरक्षित हो। और इस बात पर चलो शुरू करें, मेरे साथ आओ। देखो और बच्चों, उड़ते नारियलों से सावधान रहना, वो खतरनाक है। वहाँ अपने टेंट सेट करो। मंसूर इंचार्ज तुम रहोगे। मुझे अपना तरबूज नीचे रखकर अपनी आंखें बंद करनी है। अब हम क्या करेंगे? हम अली सर के बिना तो इस टापू पर बचेंगे ही नहीं। हम सब तो मर ही जाएंगे, क्या करें? चलो भी बेवकूफ मत बनो, अली सर थोड़ा आराम कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो घबराओ मत। वैसे भी हमारे पास नानो है। नानो, इस पूरे एरिया का स्कैन करके पानी, खाना और रहने के मटेरियल्स ढूंढो। यहाँ से पास ही में उत्तरी पूर्व दिशा में ताजा पानी है, पर सबसे अच्छा पानी मिलेगा लटकती हुई टहनियों में। वहाँ बहुत सारे आम और केले भी हैं, और रहने की जगह बनाने के लिए ताड़ के पत्ते सबसे अच्छे होते हैं। नंबरों की माने तो हम एक कैंप बनाने की सबसे अच्छी जगह पर मौजूद है। मंसूर, मैं यहाँ रुक कर इस मंसूर और उसके उड़ते रोबोट की बकवास बिल्कुल नहीं सुनने वाला। जमाल, जमील, मैंने कहा चलो। जाना चाहता है वो जाए, चलो हम रहने की जगह बनाते हैं। और ऊपर, ठीक है। ठीक है, देर हो गई, नूडल्स खाने में देर हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरे नूडल्स भाग रहे हैं। अंदर आओ, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है।
अली सर सुनिए, जादुई छड़ी को पकड़ लीजिए, हम जादुई सफर पर चलेंगे। ओ, एक जादुई छड़ी, क्या बात है। उबेद, कुछ करके दिखाओ। आपको जादू देखना है, पकड़ लीजिए, फिर जादू दिखा दूंगा। चलिए पकड़िए छड़ी को। हाँ, ये कैसा जादू है उबेद? आपकी जान बचाने का। आइए, आ जाइए। ओह, बाल बाल बचे। दांत, क्या बात है, ये रास्ता तो जाना पहचाना है। हाँ? क्या? आपका स्वागत है, ये तो वाकई में हमारे लिए सरप्राइज है। आइए उबेद बाबा। तो उबेद और अली सर गए कहाँ? पता नहीं, शायद कैंप वापस चले गए। जमाल, उस पत्थर पर चढ़ के जल्दी से अपनी पानी की बोतल भर लो। गाड़ी भिजवा कर मेरे दोस्तों को ले आ सकते हैं प्लीज? वो टापू की दूसरी तरफ है। उबेद कहाँ है? अली सर कहाँ है? तूफान आने वाला है। आप सभी से उबैद बाबा ने अपने रिसोर्ट पर आने की विनती की है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उबैद ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो चलकर मंसूर के कैंप चलते हैं। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अब मैं क्या करूं? ये क्या है? वैसे अगर देखे तो इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? हम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ कौन लाया? कितना अच्छा पूल है, क्या ये मेरे लिए है? ओ, अली सर, आप ठीक हो गए? मैं ठीक हूँ, मुझे नया जीवन मिला, जैसे मैंने बड़ा जंग जीता हो। क्या सब यही है? तारिक, जमाल और जमील अब भी वो टापू की दूसरी तरफ है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? नहीं, उन्हें थोड़ी देर वहीं रहने दो।
हाँ।